I'm at Ammi Akhtari rehearsals today, and we are just about 2 weeks before our main opening, which is on the 25th of October at Chowpatty. And we are rehearsing the second time here with Talat ji and his entire group. Padmini and me have been rehearsing for a while, so today is day two of rehearsals with Talat ji, and there's a lot of music and there's a lot of gupshup. So really looking forward to it, and I'm sure you'll enjoy all these BTS moments right now. मेरे अब्बा जस्टिस असगर हुसैन ने तमाम दुनिया के साथ इंसाफ तो किया, पर मेरी माँ के साथ नहीं। क्रॉसफेड सुखी बेटा, सुना तुम्हारा प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा, लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अम्मी, आप ही से तो सीखा है कि संगीत भावना है, तपस्या है, पर आजकल की ऑडियंस को ये बात समझ में कहाँ आती है? ये तो हिप हॉप, पॉप शॉप और ना जाने कितने टिप टॉप किस्म के संगीत में अपने आप को खो चुके हैं। ओहो सुखी बेटा, अगर किसी को गाली देने का दिल करे तो उसे चूजा कह देना चाहिए। चूजा, चूजा। क्या करती हो, गाती हो? नहीं नहीं गाती। फिर तुम क्या करती हो? खाना मैं बनाती हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो खाना बनाए वो गाना भी गाए। क्या तुम मेरी शागिर्द बनोगी? मम्मी अब आप क्यों ठुमरी नहीं गाती? आप तो ये डायरेक्टर जी पूछ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा बोलना ही पड़ेगा। पर नहीं नहीं, मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ यस पापा फिल्म में, और बहुत ही चिल्ड आउट किस्म के हैं डायरेक्टर। मतलब उनको अभी तक टेंशन नहीं हो रही है कि बस 10 दिन बाकी है और हो जाएगा हर चीज़। मतलब अगर उनको कुछ भी पूछे ना कि अच्छा मैं कल नहीं आ सकती, हाँ कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, अच्छा मैं 5 बजे नहीं आ सकती, मैं 6 बजे आ सकती, ओके नो प्रॉब्लम। मतलब कभी ना नहीं करते, तो इतने चिल्ड आउट है कि मतलब मुझे खुद टेंशन हो रही है कि हेलो सिर्फ 4 रिहर्सल्स हो रहे हैं अभी स्टेज पर, नहीं हो जाएगा। सो ही इज़ वेरी चिल्ड आउट और एंड ही इज़ फैबुलस टू वर्क विथ। सो रियली नाइस विद द होल टीम, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंड आई होप यू ऑल कम एंड सी इट, और आपको भी उतना ही मज़ा आए जैसे जितना हमें आ रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है, हमारा एक नया नाटक ओपन हो रहा है जल्द ही अक्टूबर 25 और 27 को, जिसका नाम है अम्मी अख्तरी। जी हाँ, बेगम अख्तर के कुछ पन्ने हम दिखाएंगे इस नाटक के ज़रिए, और इसमें ख़ास जो USP है, जो हमारे तीसरे जो हैं हमारे साथ जो आर्टिस्ट टैलेंट तलत अज़ीज़ साहब,
अख्तरी जी के बेगम साहिबा के की कुछ गज़लें आपको कुछ नहीं काफ़ी 10-12 गज़लें आपको सुनाएंगे और उसका लुत्फ़ लेने आप ज़रूर आइए 25 को 27 अक्टूबर को। उसके बाद ढेरों शोज़ होंगे, तो मुझे इस बात की खुशी हो रही कि तेजस्विनी और मैं पहली बार एक साथ मंच पर पहली बार आ रहे हैं, और आप ज़रूर आइए और देखिए ये 25 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को हो रहा है। 25 को हो रहा है गिरगांव में और 27 को हो रहा है बांद्रा में। आप बुक माई शो में देख सकते हैं डेट्स और बुक कर सकते हैं, और जल्द करिए क्योंकि ये शो हाउसफुल हो जाएगा। तो कम एंड एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा है रिहर्सल्स करने में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ कम एंड वॉच अम्मी अख्तरी। शुक्रिया। ये मेरा पहला उर्दू नाटक है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आप ज़रूर आइए। मेरा तजुर्बा जो रहा है इस प्ले में बहुत ही शानदार रहा है, और ये पहली बार मैं अपनी बहन के साथ काम कर रही हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड। आप ज़रूर आइए देखिए, हमारा कंफर्ट लेवल बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा है, और मैं ये सोचती हूँ और मानती हूँ कि आपको भी दिखाई देगा, आपको भी नज़र आएगा ये, और आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। डू कम स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ही एक यूनिक नाटक है जिसमें म्यूज़िक है और परफॉर्मेंसेस हैं, तो ज़रूर अपने टिकट्स बुक करिए बुक माई शो पर, और होप टू सी यू देयर। थैंक यू। ओ माय गॉड, यू येट रिकॉर्डिंग, यू आर स्टिल हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू।